आशा की किरण, एलिट इंस्टीट्यूट, मनीषियों, तपस्वियों, बुद्धिजीवियों, शिक्षा शास्त्री की पुण्य भूमि बिहार और बिहार का हृदय पाटलिपुत्र, शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन के आदि सूत्र के रूप उभरता एलिट इंस्टीट्यूट, संपूर्ण शिक्षा संस्कार के साथ सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं अपितु जीवन जीने की कला में निपुण बनाने को अग्रसर, ताकि प्रतियोगितावादी समाज में छात्र अपने अनंत ऊर्जा को निखार सके और एक उज्जवल भविष्य का निर्माण हो। एलिट इंस्टीट्यूट के संस्थापक तथा फिजिक्स के सुप्रसिद्ध शिक्षक अमरदीप झा गौतम सतत प्रयत्नशील हैं। छात्रों की परख के लिए चैप्टर वाइज टेस्ट होता है। जानकार, समर्पित तथा छात्रों के साथ सहृदय शिक्षक, लाइब्रेरी की सुविधा बच्चों को मिलती है। एलिट इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर छात्रों के मार्गदर्शन हेतु विभिन्न परीक्षाओं की पूर्ण जानकारी उपलब्ध है। ज्ञानोदय योजना के अंतर्गत जनवरी से फरवरी तक छात्रों की निशुल्क पढ़ाई, जिसमें वैसे सभी छात्रों को सम्मिलित किया जाता है जो आर्थिक तंगी या उचित मार्गदर्शन के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पाए। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिससे छात्रों के अंदर छिपी प्रतिभा निखर सके, नाटक, गायन, नृत्य, हास्य प्रस्तुति, भाषण आदि कार्यक्रम का आयोजन के इस वर्ष भी दर्जनों छात्र इंजीनियरिंग तथा मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में सफल हुए। यहाँ के छात्रों की श्रद्धा अपने शिक्षकों के प्रति देखते ही बनती है और शिक्षकों के स्नेहाशीष का प्रतिफल है कि एक पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण दिखाई दे रहा है। संस्थान के संस्थापक अमरदीप झा गौतम का मानना है कि एक छात्र का निर्माण एक व्यक्ति का निर्माण ही नहीं, वरन उस संभावना के पूर्ण होने की ओर अग्रसर एक कदम, जिसमें हम एक बौद्धिक, नैतिक तथा स्वच्छ सामाजिक वातावरण की परिकल्पना करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का कार्यक्रम गुरु मंत्र में। आज हम आप लोगों के लिए कुछ जानकारियां लेकर आए हैं पटना के एक ऐसे ही प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान एलिट इंस्टीट्यूट के बारे में। एलिट इंस्टीट्यूट में मेडिकल और इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए बहुत अच्छी तैयारी करवाई जाती है। आइए देखते हैं कि एलिट इंस्टीट्यूट में किस तरह और किस रूप में बच्चों को पढ़ाया जाता है। पढ़ाई कर रहे हर बच्चों की आंखों में एक सपना होता है, सपना सफलता की बुलंदियों को छूने का, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का। पर इसमें से अधिकांश बच्चों का वह सपना पूर्ण नहीं हो पाता। हालांकि इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण होता है पढ़ाई की तैयारी के लिए किसी गलत शिक्षण संस्थान का चुनाव कर लेना। दरअसल वे बच्चे बड़े भाग्यशाली होते हैं जिन्हें योग्य गुरु मिलता है। इसमें भी दो राय नहीं कि पटना में कुछ गिने चुने संस्थान हैं जहां उच्च स्तरीय पढ़ाई होती है। इन्हीं में से एक है एलिट इंस्टीट्यूट। एलिट इंस्टीट्यूट पढ़ाई कर रहे ऐसे ही बच्चों के सपनों को साकार करने में जुटा हुआ है। इसी का प्रतिफल है कि प्रत्येक वर्ष यहां के सैकड़ों बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल में चयनित होते रहे हैं। इस बार भी यहाँ के बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल में चयनित हुए हैं। एलिट इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में सफलता दिलाने वाली बिहार का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान। एडमिशन ओपन इन फाउंडेशन कोर्स, 11th एंड 12th टारगेट कोर्स। एलिट इंस्टीट्यूट, फर्स्ट फ्लोर, जगदम्बा टावर, बोरिंग रोड, पटना। हे फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी होस्ट प्रियंका और आप देख रहे हैं क्रॉस रोड।
दोस्तों, एक इंसान की लाइफ में सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है? सबसे बड़ी टेंशन एक ही होती है, आपकी करियर। और उससे भी ज्यादा बड़ी टेंशन होती है कि अपने करियर को कैसे अच्छा बनाया जाए। और करियर अच्छा बनाने के लिए जरूरी है कि उसकी तैयारी अच्छी हो। और तैयारी के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारा सही रास्ता चुनना। लाइफ में करियर को लेकर यंगस्टर्स को काफी परेशानियां झेलनी पड़ती है, और इसलिए हम लेकर आए हैं एक ऐसा प्रोग्राम जहां आपको मिलेगी सारी जानकारी कैसे हम अपनी करियर की तैयारी को और भी बेहतर करें, क्या करें और क्या ना करें। वैसे तो आजकल मेडिकल और इंजीनियरिंग का बहुत क्रेज है। हर यंगस्टर्स की चाह होती है कि वो मेडिकल या इंजीनियरिंग करे, और आजकल इनकी तैयारी सही तरीके से हो तो ये मुश्किल भी नहीं है। जी हाँ, तो चलिए आज हम आपको लिए चलते हैं पटना के एलिट इंस्टीट्यूट की ओर। साथ ही अपने इंस्टीट्यूट के बारे में एलिट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अमरदीप झा गौतम का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। आज से लगभग 13 साल पीछे जब एलिट इंस्टीट्यूट के इस प्रारूप को समझने में और इसके बारे में कल्पना करने के बारे में असमर्थ भी था, उस समय भी मेरी एक चाह थी कि एक ऐसा सिस्टम हो, एक ऐसी व्यवस्था हो जहाँ एक सौहार्दपूर्ण संबंध हो टीचर का स्टूडेंट के साथ, जहाँ हर एक स्टूडेंट अपने मन के प्रॉब्लम्स, जो उन्हें डिफिकल्टीज होती है कैरियर से लगी हुई चीज़ें, अपने टीचर के पास खुल करके बता पाए, जिसकी ज़रूरत उन्हें है। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे हैं जो मैट्रिक के एग्ज़ाम देने के बाद भटक जा रहे हैं पटना आने के बाद। पढ़ाई लिखाई करने का उद्देश्य तो उनका होता है, लेकिन यहाँ सही गार्जियनशिप नहीं मिलने के कारण, सही गाइडलाइन नहीं मिलने के कारण, सही व्यवस्था नहीं मिलने के कारण उन्हें भटकाव हो जाता है। फिर ना कोई उन्हें रोकने वाला होता है और ना ही कोई उन्हें रास्ता दिखाने वाला होता है। किसी भी व्यवस्था का अपना एक आधार होता है, जिस आधार के कारण व्यवस्था को एक समाज में और एक परिवेश में, एक माहौल में उसकी पहचान बनती है। सोचना बंद करें, एलिट इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। 10+2 IIT JEE और PMT जिनका लक्ष्य है एलिट इंस्टीट्यूट, उनके सपनों को 13 साल से साकार करते आया है। छूले आसमां को। मैं यहाँ सारे सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, मैथ्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, एक्सीलेंट। और यहाँ का एनवायरनमेंट तो बहुत ही अच्छा है, सबसे ज़्यादा अच्छा है हमारा यहाँ का एनवायरनमेंट, एंड एवरीथिंग इज बेस्ट हियर। एलिट इंस्टीट्यूट के बारे में एक जो आम धारणा लोगों की आज बनी, वह निरंतर प्रयास का ही प्रतिफल है। एलिट इंस्टीट्यूट का एटमॉस्फेयर मुझे गर्व होता है, और समाज के बहुत सारे शिक्षाविद हैं, उनसे जब चर्चा होती है हमारी तो वो भी कहते हैं कि नहीं, एक माहौल, जो एक स्वस्थ शैक्षणिक माहौल चाहिए, जगह जहां आकर के स्टूडेंट अपनी बातों को खोल पाने में कोई हेजिटेशन नहीं रखे, कोई हिचकिचाहट नहीं हो। एलिट इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए 10th के मार्कशीट के आधार पे बच्चों का, जब 10th में उनका अपना परसेंटेज आया है या जो उनकी ग्रेडिंग सिस्टम के ग्रेड आए हैं उसके आधार पर एडमिशन होता है, जिसमें बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है। एलिट इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में सफलता दिलाने वाली बिहार का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान, जो वर्षों से अपने काम करने के अनोखे तरीके के लिए विख्यात है। एडमिशन ओपन इन फाउंडेशन कोर्स, 11th एंड 12th टारगेट कोर्स। यहां छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ मेंटली बूस्टअप किया जाता है। यूं तो पटना में बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं, लेकिन अपनी गुणवत्ता और कार्यशैली के लिए एलिट इंस्टीट्यूट हमेशा से अपनी प्रसिद्धि बनाए हुए है। एंड ISO 9001
2008 सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट, फर्स्ट फ्लोर जगदम्बा टावर, बोरिंग रोड, पटना। कॉन्टैक्ट नंबर 9835441003। मैथमेटिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक्स, यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है। द थिंग इज, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है जो हमें एक स्पेयर प्रोवाइड करता है पढ़ाई के लिए। यहाँ पर सब कुछ है, हमें DPP सॉल्व करने के लिए मिलता है, प्रैक्टिस पेपर असाइनमेंट जो मंथली मिलता है हमें सॉल्व करने के लिए। दैट इज़ द गुड थिंग अबाउट एलीट इंस्टीट्यूट, वे ही टीचर्स अस इज एक्सलेंट। इन होल एलीट इंस्टीट्यूट इज बेस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट एंड एवरीवन वंस कंसर्न अमरदीप सर। एलिट इंस्टीट्यूट में हर एक क्लास में जितनी चीज़ें पढ़ाई जाती है बच्चों को, उसके आधार पर डेली प्रैक्टिस पेपर मिलता है। 6 क्वेश्चन होते हैं उसमें, और हर एक यूनिट के ख़त्म होने के बाद स्पेशल प्रैक्टिस पेपर मिलता है, इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं। स्टूडेंट की पढ़ाई कितनी अच्छी या अच्छी नहीं हो रही है, इसका एक पैमाना होता है कि वो अपना एक सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट ले पाएं। अपने पढ़े हुए चीज़ों को रिवाइज करके बच्चे आते हैं और डेली प्रैक्टिस पेपर में अपने आप को वो दिन टेस्ट लिया करते हैं। इसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट एलिट में होता है, फेज टेस्ट होता है, मॉडल टेस्ट होता है। एलिट इंस्टीट्यूट का जो अपना स्टडी पैकेज है वैसा तैयार ही किया गया है, उसमें NCERT के बुक को लेकर के बच्चे के कॉम्पिटिशन के लिए, उनके जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उनके लिए जो एक प्रारूप तैयार हो, जो पूरा बेस से लेकर के उन्हें कंपटीशन तक पहुंचाने में सार्थक हो पाए, ऐसा स्टडी पैकेज का निर्माण किया गया है। एलिट इंस्टीट्यूट का अपना एक बहुत ही सुसंगठित लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, जहां बच्चे चाहें तो बैठ करके पढ़ सकते हैं और चाहें तो वहां से अपना बुक भी इशू करके घर ले जा सकते हैं, घर पर ही पढ़ सकते हैं, वहाँ जा करके भी पढ़ें। वो जो कोई प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम को क्लासरूम में पूछे, क्लासरूम के बाद टीचर से पूछें। यहाँ किसी तरह का कोई हेजिटेशन नहीं है, ये कोई बच्चे को कुछ दिक्कत है तो बच्चा पूछेगा ही नहीं। आशा की किरण, एलिट इंस्टीट्यूट, मनीषियों, तपस्वियों, बुद्धिजीवियों, शिक्षा शास्त्री की पुण्य भूमि बिहार और बिहार का हृदय पाटलिपुत्र, शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन के आदि सूत्र के रूप उभरता एलिट इंस्टीट्यूट, संपूर्ण शिक्षा संस्कार के साथ सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं अपितु जीवन जीने की कला में निपुण बनाने को अग्रसर, ताकि प्रतियोगितावादी समाज में छात्र अपने अनंत ऊर्जा को निखार सके और एक उज्जवल भविष्य का निर्माण हो। एलिट इंस्टीट्यूट के संस्थापक तथा फिजिक्स के सुप्रसिद्ध शिक्षक अमरदीप झा गौतम सतत प्रयत्नशील हैं। छात्रों की परख के लिए चैप्टर वाइज टेस्ट होता है। जानकार, समर्पित तथा छात्रों के साथ सहृदय शिक्षक, लाइब्रेरी की सुविधा बच्चों को मिलती है। एलिट इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर छात्रों के मार्गदर्शन हेतु विभिन्न परीक्षाओं की पूर्ण जानकारी उपलब्ध है। ज्ञानोदय योजना के अंतर्गत जनवरी से फरवरी तक छात्रों की निशुल्क पढ़ाई, जिसमें वैसे सभी छात्रों को सम्मिलित किया जाता है जो आर्थिक तंगी या उचित मार्गदर्शन के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पाए। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिससे छात्रों के अंदर छिपी प्रतिभा निखर सके, नाटक, गायन, नृत्य, हास्य प्रस्तुति, भाषण आदि कार्यक्रम का आयोजन के इस वर्ष भी दर्जनों छात्र इंजीनियरिंग तथा मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में सफल हुए। यहाँ के छात्रों की श्रद्धा अपने शिक्षकों के प्रति देखते ही बनती है और शिक्षकों के स्नेहाशीष का प्रतिफल है कि एक पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण दिखाई दे रहा है। संस्थान के संस्थापक अमरदीप झा गौतम का मानना है कि एक छात्र का निर्माण एक व्यक्ति का निर्माण ही नहीं, वरन उस संभावना के पूर्ण होने की ओर अग्रसर एक कदम है, जिसमें हम एक बौद्धिक, नैतिक तथा स्वच्छ सामाजिक वातावरण की परिकल्पना करते हैं। एनवायरनमेंट बहुत फ्रेंडली है, पढ़ने में मजा आता है। बहुत अच्छे अच्छे संभ्रांत परिवारों में भी एक दोष हमने देखा कि वो जो परिवार है जो आर्थिक रूप से समृद्ध है, कुलीन है, लेकिन इसके बावजूद अपने लड़कियों की पढ़ाई में पता नहीं क्यों कतराता है। अपने बेटों को पढ़ाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, वो खर्च करने के लिए आतुर रहता है।
और बेटियों की पढ़ाई को लेकर के उनके मन में पता नहीं क्या एक वाह फूंक देती है। उन्हें ये लगता है कि बेटियों को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो घर को चली जाएंगी ये। लेकिन हम ये क्यों भूल करते हैं, लड़कों से ज्यादा महत्व है लड़कियों की पढ़ाई का। और पढ़ाई का तो निश्चित उद्देश्य ये होता है कि जहाँ एक आदर्श की बात समझ में आए, जहाँ जीवन जीने के तरीका के बारे में समझ में आए। एलिट इंस्टीट्यूट ने इस पर भी अपनी एक महत्वाकांक्षी योजना का शुरुआत 2013 से किया। लड़कियां भले ही गरीब हो, अमीर हो, अगड़ी जातियों जाती हो, सवर्ण हो, फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो, किसी जाति की हो, किसी धर्म की हो, लड़कियों को 20% का 20% का स्कॉलरशिप सालों भर मिलता है। ये चीज इसलिए किया गया जिससे कि आधी आबादी का विकास हो, क्योंकि उसके बिना विकास हुए बगैर हम किसी तरह की विकास की बात नहीं कर सकते। सही और गलत का चुनाव होने के लिए ज्ञान जरूरी है, और ज्ञान के होने के लिए मार्ग ढूंढना होता है और मार्ग देना होगा समाज के इस आधी आबादी के लिए। सबका एक ही प्रयास होता है, जितने सारे स्टूडेंट यहाँ हैं एलीट में, एक परिवार की तरह हिल मिल करके जो दिक्कत है पूछें, डिस्कस करें, जहाँ कहीं भी दिक्कत हो पूछना है, आगे बढ़ते रहना है। रुकना मृत्यु है, चलना जिंदगी है, चलते रहना है, विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहना है। शुभाशीष है उन सारे बच्चों के लिए इनका होना, जो बच्चे चाहते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ कर पाए, अपने जीवन को साकार कर पाए, सफल हो पाए सभी रूपों में। एक अवधारणा, एक परसेप्शन स्टूडेंट के बीच में होता है कि हम अभी 10th का एग्जाम दिए हैं, हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। 10th के और 11th के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है उनके सिलेबस को लेकर के, उनके कंटेंट्स को लेकर के, उनके डेप्थ को लेकर के। बिल्कुल एनालिसिस शुरू हो जाता है क्लास 11 से ही, सारे कंपटीशन की नींव आती है। हर एक दिन क्लास में जो पढ़ाया जाता है, बच्चों को चाहिए घर पर जाके रिवाइज करें उस चीज का, जहां जो दिक्कत है उसे पूछे। एलिट इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में सफलता दिलाने वाली बिहार का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान, जो वर्षों से अपने काम करने के अनोखे तरीके के लिए विख्यात है। एडमिशन ओपन इन फाउंडेशन कोर्स 11th एंड 12th टारगेट कोर्स। यहां छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ मेंटली बूस्टअप किया जाता है। यूं तो पटना में बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं, लेकिन अपनी गुणवत्ता और कार्यशैली के लिए एलिट इंस्टीट्यूट हमेशा से अपनी प्रसिद्धि बनाए हुए एंड ISO 9001:2008 सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट। फर्स्ट फ्लोर जगदम्बा टावर, बोरिंग रोड, पटना। कॉन्टैक्ट नंबर 9835441003। यहाँ का जो सर टीचर है, वो किसी भी क्वेश्चन को इतने इजी वे में बताते हैं कि हम लोगों को समझ में आ जाता है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और हमारा ये अभी तक का इतना हम लोग प्रगतिशील नहीं हो पाए बिहार में कि हमारे बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं उनका इंग्लिश समृद्ध हो सके। बिहार सरकार भी प्रयासरत है इसको लेकर के, लेकिन तो भी ये दुविधा बनी हुई है। जो बच्चे 10th तक हिंदी में साइंस को, मैथ्स को, सबको पढ़ के आते हैं, इंटर में आते ही सारा चीज़ इंग्लिश में उनको देखने को मिलता है। एक अलग तरह की ऊहापोह की स्थिति उनके अंदर क्रिएट होती है। इस सब से बचने का बहुत ही बेसिक तरीका यह है कि हम एक काम करें कि उस विषय वस्तु को पहले अच्छी तरह से समझें, और उसे समझने में बच्चों का अपने पर्सनल लेवल पे जा करके हेल्प करता हूँ। क्या तो अगर बच्चों को किसी चीज़ को समझने में हिंदी में या इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, तो एक्स्ट्रा टाइम दे करके उसको हिंदी इंग्लिश का भी है। अगर हम कोई भी टॉपिक इंग्लिश में नहीं समझते हैं तो सर हमको, सर हम लोग को हिंदी में समझाते हैं। एलीट इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में सफलता दिलाने वाली बिहार का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान। एडमिशन ओपन इन फाउंडेशन कोर्स, 11th एंड 12th टारगेट कोर्स। एलीट इंस्टीट्यूट, फर्स्ट फ्लोर जगदम्बा टावर, बोरिंग रोड, पटना। दूसरे अदर कोचिंग के बच्चे भी यहाँ पे आके पढ़ना चाहते हैं। बहुत इजी वे में पढ़ाते हैं, हर टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाते हैं। यहाँ पे असाइनमेंट, ये हर चीज़ फैसिलिटी है। हम लोग जो सोचते नहीं उनसे पहले सर सारा चीज़ सोच
सोच लेते हैं स्टूडेंट के लिए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। न्यूमेरिकल ये डाउट क्लास, हर चीज़ का अलग अलग क्लासेज होते हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी में जुटे छात्र छात्राओं को बुक्स के संबंध में सलाह देते हुए कहते हैं, जो इंजीनियरिंग और मेडिकल इंट्रेंसेस की बात है एग्ज़ाम को लेकर के, तो ये बहुत ही मौलिक रूप से देखा जाए तो इन सबों का मूल बेसिक जो है, जो फंडामेंटल है, वो एनसीईआरटी ही है। तो सबसे पहली बात है कि एनसीईआरटी की जो बुक है, जो उसकी पुस्तकें हैं, उसका बहुत ही गहन चिंतन होना चाहिए। उसके अलावा बहुत सारे रेफरेंस बुक्स है एनसीईआरटी पर बेस्ड, उस सारे रेफरेंस बुक्स को लेकर के भी बहुत ही अच्छा अध्ययन करना ज़रूरी है। बहुत सारे बुक्स भारतीय भवन के या स्टूडेंट फ्रेंड्स के ऐसे आते हैं जो हिंदी मीडियम में भी हैं, इससे बच्चों को बहुत ही सहायता मिल रही है। इसके बावजूद अगर बच्चों को कुछ डिफिकल्टीज होती है इंग्लिश में पढ़ाई में, तो वो पर्सनल हेल्प हमारे द्वारा या सिस्टम में जितने सारे इंस्टीट्यूट में जहाँ टीचर्स हैं, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, बायोलॉजी में, उन सब के द्वारा हेल्प दिया जाता है। मेरा जो अपना ध्येय रहा वो हमेशा रहा कि समाज की वैसे सभी छात्र जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या इस बाजारवाद में, शिक्षा के बाजारवाद में, जिनको एक सही मार्गदर्शक चाहिए और साथ ही साथ जिन्हें उनके अपने भविष्य के प्रति परख के अनुकूल पारखी बनाने की बात हो, एलिट इंस्टीट्यूट मुझे खुशी है अपने इन सभी उत्तरदायित्वों को निर्वाह करने में समर्थ हो पा रहा है। अपने स्थापना के आरंभिक दौर से ही इस एलिट इंस्टीट्यूट में नई नई संभावनाएं बच्चों के लिए मिलती रही। आशा की किरण, एलिट इंस्टीट्यूट, मनीषियों, तपस्वियों, बुद्धिजीवियों, शिक्षा शास्त्री की पुण्य भूमि बिहार और बिहार का हृदय पाटलिपुत्र, शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन के आदि सूत्र के रूप उभरता एलिट इंस्टीट्यूट, संपूर्ण शिक्षा संस्कार के साथ सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं अपितु जीवन जीने की कला में निपुण बनाने को अग्रसर, ताकि प्रतियोगितावादी समाज में छात्र अपने अनंत ऊर्जा को निखार सके और एक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण हो। एलिट इंस्टीट्यूट के संस्थापक तथा फिजिक्स के सुप्रसिद्ध शिक्षक अमरदीप झा गौतम सतत प्रयत्नशील हैं। छात्रों की परख के लिए चैप्टर वाइज टेस्ट होता है। जानकार, समर्पित तथा छात्रों के साथ सहृदय शिक्षक, लाइब्रेरी की सुविधा बच्चों को मिलती है। एलिट इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर छात्रों के मार्गदर्शन हेतु विभिन्न परीक्षाओं की पूर्ण जानकारी उपलब्ध है। ज्ञानोदय योजना के अंतर्गत जनवरी से फरवरी तक छात्रों की निःशुल्क पढ़ाई, जिसमें वैसे सभी छात्रों को सम्मिलित किया जाता है जो आर्थिक तंगी या उचित मार्गदर्शन के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पाए, छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम जिससे छात्रों के अंदर छिपी प्रतिभा निखर सके, नाटक, गायन, नृत्य, हास्य प्रस्तुति, भाषण आदि कार्यक्रम का आयोजन के इस वर्ष भी दर्जनों छात्र इंजीनियरिंग तथा मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में सफल हुए। यहाँ के छात्रों की श्रद्धा अपने शिक्षकों के प्रति देखते ही बनती है और शिक्षकों के स्नेहाशीष का प्रतिफल है कि एक पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण दिखाई दे रहा है। संस्थान के संस्थापक अमरदीप झा गौतम का मानना है कि एक छात्र का निर्माण एक व्यक्ति का निर्माण ही नहीं, वरन उस संभावना के पूर्ण होने की ओर अग्रसर एक कदम है, जिसमें हम एक बौद्धिक, नैतिक तथा स्वच्छ सामाजिक वातावरण की परिकल्पना करते हैं। जैसे हमारे इमेजिनेशन में सारी चीज़ें होती हैं, बिल्कुल सेम तरह से वो उस तरह से उसको बिठा कर हमारे रियल लाइफ में समझाना चाहते हैं। मुझे उनको पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है एंड एवरीथिंग इज़ वेरी फाइन एंड वेरी एक्सलेंट। यहाँ का एनवायरनमेंट भी द बेस्ट है। वी आर वेरी लक्की टू हैव सर। आज इस कार्यक्रम में हम आपको पटना के मशहूर शिक्षण संस्थान एलिट इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारियां दे रहे हैं। यहां के छात्र छात्राओं का उत्साह काफी बढ़ा हुआ है। मैं यहां पे फिजिक्स पढ़ने के लिए आता हूं और यहां पे अमरदीप सर है, बहुत ही अच्छा तरीके से फिजिक्स पढ़ाते हैं। वो बच्चों को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करते हैं, ऐसा पढ़ाते हैं कि किसी भी बच्चा को यहाँ से शिकायत नहीं होती, वो यहीं पर ही समझ जाते हैं। और जनरल
हमको नहीं लगता है कि कोई बच्चा घर पर ज़्यादा देर पढ़ता होगा। यहाँ पे वो इतना अच्छा से वो पढ़ लेता है कि घर पर उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारा इतना लगे कि इतना एडमिशन जो ले लिया से हमारा जरूर सक्सेस देत। इलाइट के जितने बोर्ड पर लिखल रहे कि जे फिजिक्स से डरना मना है, पर हमारा इतना लगे कि फिजिक्स नहीं बल्कि फिजिक्स मैथ बायो केमिस्ट्री सब चीज़ से इतना डरना एकदम मना है। और इतना लगे कि हमारा बहुत है जे हम चाहे से हमारा आगे इंजीनियरिंग भाव पाए। और सबसे बड़का बात है कि पढ़ाई तो ओना सब जगह हो, लेकिन सबसे बड़का बात है कि बच्चा में जो कॉन्फिडेंस दिल जाए छे, से सबसे बड़का बात है। हमारे टीचर जी छथिन से बहुत अच्छा पढ़ाबे, कियाकि आज हमारे फर्स्ट क्लास है, ताकि हमारा समझ में आयल, हमारा लगे कि आगा भी हमारा समझ में आयल। दो तीन जगह फिर पकड़ा था कोचिंग, लेकिन फिर लास्ट में मुझे सर बहुत अच्छे लगे, ताकि फिर यहाँ पे मैंने पकड़ा। और फिर सर जो यहाँ के टीचर हैं मिस्टर अमरदीप झा गौतम, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और उनके पढ़ाने का जो स्किल है बहुत अलग तरह का है। कोई भी फिजिक्स का कोई भी टॉपिक समझाते हैं तो हम लोग के डेली लाइफ से जो भी एग्जांपल रहता है उससे बता के समझाते हैं, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, फिर घर पे पढ़ने का जरूरत भी नहीं पड़ता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ की जो है सर पढ़ाने के साथ साथ बच्चे को मेंटली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मतलब कि और किसी कोचिंग में ये चीज़ नहीं मिल पाता है। लेकिन सर जो है बहुत मतलब बच्चे को एकदम इंटरनली बूस्टअप करके उसके मेंटली में एकदम कॉन्फिडेंस डाल देते हैं, तो बच्चा बहुत अच्छा करता है। यहाँ आने से पहला सर ऐसा लगता था कि फिजिक्स बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ आने के बाद फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगा और ऐसा लगने लगा कि फिजिक्स हमको भी आ सकता है और हम भी पढ़ सकते हैं फिजिक्स। इंस्टीट्यूट के बारे में एक बार सर का इंटरव्यू आया था एक पेपर में, उसमें पढ़े थे कि उनका कुछ फिजिक्स को लेकर एक आर्टिकल था, उसके बाद ही अपने फादर के साथ यहाँ पे आए थे और 11th के फाउंडेशन बैच में मेरा एडमिशन हुआ है। अभी तक जितनी क्लासेस हम अटेंड किए हैं तो सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। बिसाइड्स इंस्टीट्यूट का एनवायरनमेंट भी हमको काफ़ी अच्छा लगता है। फिजिक्स से जितना डर लगता था जो पहले जिन लोगों से बात हुई थी, तो बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कॉमर्स लेने का कि बहुत टफ है, नहीं निकलता सबसे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद लगता है कि हो जाएगा, फिजिक्स ईजी है। या आई कैन प्राउडली से दैट आई स्टडी इन एलीट इंस्टीट्यूट एंड डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट इज आवर रिस्पेक्टेड सर मिस्टर अमरदीप झा गौतम। ही टीचेज अस फिजिक्स एंड ही नॉट ओनली टीचेज अस फिजिक्स बट ऑल्सो ही टीचेज अस हाउ टू बी अ गुड ह्यूमन बींग। And I can say that our elite institute is splendid and entirely different from other institute in Patna. That's all. दूसरे अदर कोचिंग के बच्चे भी यहाँ पे आके पढ़ना चाहते हैं, बहुत ईजी वे में पढ़ाते हैं, हर टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाते हैं। यहाँ पे असाइनमेंट ये हर चीज़ फैसिलिटी है, हम लोग जो सोचते नहीं उनसे पहले सर सारा चीज़ सोच लेते हैं स्टूडेंट के लिए। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, न्यूमेरिकल ये डाउट क्लास हर चीज़ का अलग अलग क्लासेस होते हैं। मेरे को यहाँ के बारे में पता चला तो मैं यहाँ के काफ़ी सेटिस्फाई हूँ, मुझे लगता है कि मैं यहाँ के फिजिक्स सीख जाऊँगी। सोचना बंद करें, एलिट इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, 10+2 IIT JEE और PMT जिनका लक्ष्य है एलिट इंस्टीट्यूट, उनके सपनों को 13 साल से साकार करते आया है। झूले आसमान